आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी का उत्साह होता है हर एक किसी के मन में, क्योंकि हमारे प्रथम इस श्री गणपति भगवान का जन्मोत्सव है जो पूरे भारतवर्ष छोड़िए पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज गणपति की स्थापना होती है, हम देख सकते हैं राजकीय चिकित्सालय सिरोही का नेत्र विभाग, जहाँ प्रवेश करते ही सामने गणपति जी के दर्शन होते हैं। आज वहाँ विशेष पूजा की गई, वहाँ विशेष रूप से भोग लगाया, वहाँ आरती कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और सबसे बड़ी बात डॉक्टर प्रदीप चौहान साहब जो वरिष्ठ फिजिशियन हैं, डॉक्टर महात्मा जी, डॉक्टर खत्री साहब, डॉक्टर हमारे अंके क्या कहते हैं हनुमत सिंह जी राणा साहब से लेके सभी चिकित्सक पूरे भाव से पूजा कर रहे हैं। जो वहाँ उपस्थित है वो सब पूजा कर रहे हैं। नित्य विभाग के गणपति जी स्वाभाविक रूप से गणपति कहीं के भी प्रभावशाली होते हैं। हमारे आदरणीय सिस्टर, हमारे पवन जी और हमारे राकेश जी सभी का एक ही भाव था आज सुबह सुबह कि आज हम गणपति को मनाएंगे और गणपति को मना रहे हैं और गणपति मान भी जाएंगे। ये तीनों बातें हम देख सकते हैं किस तरह से देखिए तालियां बजा के आरती कर रहे हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये लड्डू का भोग लगे संत करे देवा। आप देख सकते हैं ये आनंद उत्सव है, जन्मोत्सव है उन महान हम जानते हैं ये सिरोही देवभूमि जहाँ कंकर कंकर में शंकर है और उसी शंकर के पुत्र हैं श्री गणपति जी, गणेश जी भगवान। तो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति, हर डॉक्टर, हर कंपाउंडर, हर स्टाफ, हमारे बहन जी सिस्टर पंकज सिस्टर जो ये सारी व्यवस्था को उन्होंने अंजाम दिया, वो भी धन्यवाद है। पवन जी धन्यवाद क्या, आज तो परमात्मा का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख सकते हैं सभी याचक के रूप में, क्योंकि सब याचक हैं और देने वाले सामने गणपति विराजमान देते हैं और वो हमेशा देते हैं, देते रहेंगे, इस बात का पूरा भरोसा भी है। बस हम मन से, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से और सब कुछ अगर हम उनको जीवन अब सौंप दिया, इस जीवन का सद्भार हमारे हाथों में, इस तरह के भाव अगर हम रखते हैं तो निसंदेह आनंद आता है। हम देख सकते हैं लगातार पूजा चल रही है, लगातार आरती चल रही है उस प्रथम इसकी, उस परमात्मा की। हम यहाँ चूंकि भैर मलकमा जी चिकित्सालय है, सोमिया सिस्टर जी है यहाँ पर और कई लोग हैं, तो मैं विश्नोई साहब हूँ और यहाँ सबसे बड़ी आनंद की बात है कि भोसाबा एक भैरमल अकमा जी हुए हैं जो बहुत बड़े अनाथा के बाबा। अब देखिए लड्डू का समय शुरू हो गया, लड्डू का भोग लगा दिया, तो सर बड़े भाव से हम अनुभव कर सकते हैं, इन भावों को हम पढ़ सकते हैं कि जब प्रसाद बन जाता है। आप देखिए डॉक्टर साहब ने तो आनंद ले लिया मास्क हटा के, क्योंकि आज प्रसाद राकेश को भी जोश है, हमारे क्या कहते हैं नरेंद्र जी को भी जोश है, हमारे राणावत साहब जो नेत्र विभाग के प्रभारी हैं उनको जोश है, सभी को जोश है। मैं भी उसी अस्पताल का एक हिस्सा हूँ तो स्वाभाविक है मुझे भी जोश था, मैं भी इस आनंद उत्सव में मैंने भी भाग लिया, मैंने भी आशीर्वाद लिया, मैंने भी समझू पूजा करके अर्चना की। और ये हाँ आज का दिन इसलिए भी खास है कि सभी जन गणपति की स्थापना करते हैं, ओम गणपति नमो नमः के जाप करते हैं, हर दिलों में स्थापना करते हैं, हर घरों में स्थापना करते हैं। महकबा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, दिव्यात्मा को, माता जी को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये सब व्यवस्था की। अब हम आपको ले चलते हैं गणेश बावड़ी। गणेश बावड़ी ये इसलिए है, वैसे खारी बावड़ी कहलाती है लेकिन गणपति जी गणेश जी कहते हैं, 300-400 साल पुराना मंदिर है गणेश जी का यहाँ खारी बावड़ी। अब अगर हम बावड़ी की बात करें तो इसका एक अपना इतिहास है।
बंजारे के द्वारा खोदी गई थी। स्वाभाविक है, यहाँ जंगल था और जंगल ही थे पहले बहुतायत में, जब शहर बसा उससे पहले यहाँ जंगल रहा। ये मंदिर बाहर रहा होगा शहर के बाहर, नगर के बाहर, लेकिन अब ये बीचों बीच आ गया, बीचों बीच आ गया। और हम देखते हैं बावड़ी में पानी भी है, खारी बावड़ी कहलाती है। यहाँ गणपति जी विराजमान है कई सौ साल पहले। एक सज्जन ने बताया कि रावल समाज ने यहाँ एक छोटी सी डेली में गणपति जी की स्थापना की, मोदक बहुत जरूरी है। और उसके बाद लोगों ने फिर अपने भाव प्रकट किए। यहाँ पे तो बड़ा धूमधाम से हर साल मेला लगता था, हर साल हजारों की भीड़ यहाँ पहुँचती है। और इस तरह से आज देखिए गणपति के दर्शन भाव से यहाँ बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष गरीब अमीर सभी तो भगवान के साथ पे आते हैं। और यही आज के दिन का एक आनंद है। आप देखते हैं टेम्पल जिसका मकसद ये है कि हम मंदिर मंदिर पहुँचे। गणपति बापा मोरिया के साथ से मेरी बात को विराम देता हूँ। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति सबका कल्याण करें। आप देखते रहे देवनगरी के देवदर्शन।